हिसार में अब राजगुरु मार्केट समेत हिसार के मुख्य बाजार का एरिया सीसीटीवी की जद में होगा। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने सीसीटीवी कैमरे के लगाए जाने के कार्य का उद्घाटन किया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा हिसार के राजगुरु मार्केट में स्थित शिव मंदिर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मंदिर परिसर में बनाए गए कंट्रोल रूम से सीसीटीवी लगाए जाने के कार्य का उद्घाटन किया। आपको जानकारी दे दें कि राजगुरु मार्केट एसोसिएशन की लंबे वक्त से सीसीटीवी लगाने की मांग थी। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको हिसार से हम दिखा रहे हैं। हिसार का ये राजगुरु मार्केट है, जहां पर अब ये मुख्य बाजार और भी ज्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में यह पूरा मार्केट होगा, पूरा एरिया सीसीटीवी की जद में होगा। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा यहां पर मौजूद रहे। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के लगाए जाने के कार्य का उद्घाटन किया और डॉक्टर सुभाष चंद्रा हिसार के राजगुरु मार्केट में जो शिव मंदिर है वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने मंदिर में न केवल दर्शन किए बल्कि मंदिर परिसर में बनाए गए कंट्रोल रूम में जाकर सीसीटीवी लगाए जाने के कार्य का उद्घाटन किया। देखिए तस्वीरें। मुझे खुशी है कि आज राजगुरु मार्केट में जो बहुत दिन से ये क्लोज सर्किट टीवी का पूरा जाल जो बिछाना था वो हो गया है और आज उसकी शुरुआत हो गई है। साथ में ये भी मुझे थोड़ा सा मलाल है कि इसमें टाइम ज्यादा लग गया, जो कि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। पर अब आप सब लोग व्यापारी राजगुरु मार्केट के जितने भी हैं वो और जरा निर्भयता से अपना व्यापार कर सकेंगे, अपना जो ग्राहक आते हैं उनको ठीक से ध्यान में रख सकेंगे। ग्राहकों को भी जो कभी डर लगता था जेब कटने का और का, वो भी कम होगा। तो और आप लोगों ने सबने मुझे बुला करके यहाँ पे इतना प्यार दिया, उसके लिए भी धन्यवाद, आभार। हिसार में राजगुरु मार्केट एसोसिएशन की लंबे समय से सीसीटीवी लगाने की मांग थी। जैसा कि हमने आपको बताया, सीसीटीवी लगने के कार्य का उद्घाटन होने पर राजगुरु मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों समेत व्यापारियों ने पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का धन्यवाद ज्ञापित किया है। कैमरा से बहुत फायदा होगा। देखो, जो आप पीछे क्राइम पकड़ा गया, वो दुकानदारों कैमरे से पकड़ा, अब पूरे मार्केट में कैमरे लगे, उससे तो क्राइम बहुत कम होएगा, क्योंकि जो आए थे और वो कैमरे की वजह से पकड़ जाते हैं। अब इतने बढ़िया कैमरे लग रहे हैं यहाँ और भय मुक्त हो गया। इतनी कॉस्ट आई है, क्या कहेंगे ऐसा ही। इनका जो कोटा दिया था निगम के पास 28 लाख रुपए पूरे था इनका, और ये मोन्ना मंडी, अनाज मंडी, कैंट, ये सारे एरिया में लग रहे हैं कैमरे। बहुत बढ़िया किया जी, उन्होंने 3 साल पहले पैसे दे दिए थे, कुछ डिफिकल्ट थी और अब ये कैमरे लगने शुरू हो गया आपसे। थैंक यू सर। इसमें हमें डॉक्टर सुभाष चंद्र जी के द्वारा एक ग्रांट आई थी, लगभग इसमें 1.5-2 साल लग गए, क्योंकि ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, उसको हमने पीछे लग के, हम हटे नहीं पीछे, कैमरे के लिए लगे रहे और आज हम इस प्रयास में सफल भी हुए एसोसिएशन वाले। और मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो हमारी मांग थी, बड़ी जरूरी मांग थी, उसको पूरा का पूरा भी किया। और हम चाहते हैं कि इसका कंट्रोल हमने शिव मंदिर में रखा, इसका कंट्रोल जो है शिव मंदिर में है। ये इसमें क्या है कि लगभग 25 कैमरे लगे हैं, पूरे हर गली की जो एग्जिट और एंट्रेंस है वहां पर कैमरे लगाए गए हैं, और इसमें 5 कैमरे ऐसे हैं जो चारों तरफ घूमेंगे बिल्कुल, और पूरा का पूरा शहर कवर करेंगे। आने वाले जो ग्राहक हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी। पहले ही आ चुके थे, इन्होंने दे दिए थे अपने कोटे से पैसे, किसी कारण से डिले होते होते आज वो हमारा कार्य पूरा हो गया। बहुत अच्छा प्रयास था, हमारी काफी सालों से डिमांड थी कैमरों की और अच्छी क्वालिटी के कैमरे लगाए हैं इन्होंने।